गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं गौरव सिंह पवार, जोनल सेल्स मैनेजर ऑफ दीपक इंटरनेशनल लिमिटेड। मैं एक सेल्स लाइन में हूं और मुझे सेल्स लाइन का जो अनुभव है वो लगभग 18 साल का हो चुका है। मैंने अपने इस करियर के अंदर बहुत कुछ एक्सपीरियंस अपना जो है शेयर भी किया लोगों से, और जो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ वो बताना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे कलीग हैं मिस्टर ललित कांत गोयल, ये भी बैटरी इंडस्ट्रीज के बहुत पुराने पर्सन हैं। मैंने सेल्स की लाइफ में जो आज मैं आपसे शेयरिंग करना चाहता हूँ वो मेरे मन की जो बात है वो ये है कि बहुत से जो लोग हैं आज के टाइम में जो सेल्स लाइन में जुड़े हुए हैं, मतलब खाली जुड़ जाते हैं, उनका कोई भी इंटेंशन कुछ नहीं है, कोई उनका प्लान नहीं है, कुछ नहीं है ना, वो उन्हें पता है कि करना क्या है, किस डायरेक्शन में काम करना है, सिर्फ जो है धोखा देके, धोखा इन द सेंस कंपनी को धोखा देना, झूठ बोलना, मार्केट में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कंपनी के चैनल पार्टनर्स हैं, उनको बेवकूफ बनाना, आज का टाइम का ये रह गया। तो आज जो मैं ये वीडियो लाया हूँ, मैं इसलिए लाया हूँ कि बेसिकली जितने भी सेल्स के अपने फील्ड्स के जो लोग काम करने वाले हैं उनको सबसे पहले ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ईमानदारी है, ईमानदारी वर्किंग के साथ साथ में कंपनी के प्रति और आपके डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति, यानी कि दोनों के प्रति आपकी ईमानदारी बराबर बराबर होनी चाहिए। आप किसी भी एक तरफ झुक के काम ना करें। भाई अगर आप काम कर रहे हैं कंपनी के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ में जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके कंपनी का माल खरीद रहा है, जो डीलर खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी तो आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। खाली ये थोड़ी नहीं होता है कि आपने किसी को माल बिल कर दिया या वन टाइम बिलिंग्स कर दी, कल को उसकी परेशानी आ रही है तो आप वहां से भाग खड़े हुए। 80% मैंने मार्केट के अंदर लोगों को इसी तरीके से काम करते हुए देखा है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को डीलर को फंसाना जानते। मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ में मार्केट के अंदर सच बोल के काम करेंगे तो मार्केट आपको 100% एक्सेप्ट करेगा। बहुत से लोग करते नहीं है ये वाला काम, और मेरा सजेशन ये है कि ये काम अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी मार्केट के अंदर जो प्रेजेंस बनेगी वो बहुत बढ़िया बनेगी। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने इस लाइन को, सेल्स लाइन को सन 2004 में स्टार्ट किया था। आज 2022 में बैठे हैं हम लोग, मेरे पास में सन 2004 की भी पार्टियाँ जुड़ी हुई हैं जो मेरे साथ काम करती हैं, 2022 तक बीच में जो भी पार्टियाँ जुड़ी हुई हैं वो मेरे साथ काम करती हैं। मेरे साथ में वही लोग काम नहीं करते जो कुछ चिटर होते हैं, बेईमान होते हैं, जिन्हें कंपनी का पैसा मारना होता है या कुछ ना कुछ चीटिंगबाजी करनी होती है। अदरवाइज जो मेरा अपना 2004 से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस है वो यही है कि मार्केट में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ में कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से। और जो सेल्स में है, खास तौर से मैं सेल्स पर्सन के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी सेल्स लाइन में जुड़े हैं तो आपके रिलेशन बहुत ही मधुर होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर से, तभी वो आपका काम करेंगे। एक तो चीटिंगबाजी नहीं होनी चाहिए, बाकी आप प्रॉपर ईमानदारी से उनको बताइए कि हमारी पॉलिसीज क्या है, हमारा सिस्टम क्या है काम करने का, डेफिनेटली उनको समझ में आएगा और वो आपके साथ में जुड़ेंगे। मतलब एक छोटी सी वो है सेल्स के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम और गाइड करते रहूँगा। शाम को मैं होटल पहुँचूँगा अपना, इधर क्या नाम है आपके, शिमला पहुँच रहा हूँ मैं शाम को। शिमला से पहुँच के फिर मैं वहाँ पे एक वीडियो बना के डालूँगा, तब आप उसको देखिएगा। धन्यवाद।